नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी। दोस्तों, सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है लता सुवालका के जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लता सुवालका की ये कहानी एक गृहिणी से एक महिला उद्यमी बनने की इनकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में है। तो इससे पहले कि हम इनसे मुखातिब हो, आइए इनके अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें, इनके इस सफर की शुरुआत झीलों के शहर उदयपुर से हुई। जी हाँ, इसी शहर में इनका बचपन बीता। शहर के विद्या भवन स्कूल से इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, एमजी कॉलेज से सोशियोलॉजी में एमए की डिग्री ली और इस तरह अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये करियर में आगे बढ़ी। इन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। शादी के बाद जहां ये गृहिणी के रूप में घर संभाल रही थी, वहीं इनके हस्बैंड अपने पिता के साथ मिलकर टेक्नो इंडिया एंटरप्राइजेस नामक अपनी कंपनी चला रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके पति और ससुर का कोरोना से निधन हो गया। ऐसे में इन्हें अब घर के साथ साथ बिजनेस को भी संभालना था। हालांकि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे की जाए, लेकिन अपने भाई की मदद से इन्होंने उन विषम परिस्थितियों को भी संभाला। भाई के हौसले और हिम्मत ने इन्हें एक नए सिरे से जीवन शुरू करने की हिम्मत दी। धीरे धीरे इनके अंदर एक आत्मविश्वास आया और उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए इन्होंने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। जी हाँ दोस्तों, आज ये अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे और बिजनेस सब कुछ बखूबी संभाल रही है और अपने पति के उन अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास भी कर रही है। दोस्तों, इनकी कहानी में एक चीज जो बड़ी ही अच्छी है वो है जिंदगी में कभी भी हार ना मानना और नकारात्मकता से दूर रहना, हर विषम परिस्थिति का सामना डट कर करना। दोस्तों, ये जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए हमें भी किसी के लिए रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। यही पाठ पढ़ाएगी आपको आज इनकी ये कहानी। तो आइए अब रूबरू होते हैं हमारी आज की मेहमान लता सुवालका से और सुनते हैं इनकी ये प्रेरणादायक कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम लता सुवालका है, मेरे हस्बैंड का नाम सुनील सुवालका है। मैं 49 ईयर्स की हूँ और मेरी स्कूलिंग विद्या भवन स्कूल से हुई। मैंने एमएमजी स्कूल से सोशियोलॉजी में एमए किया हुआ है और मेरा ये बिजनेस टेक्नो इंडिया एंटरप्राइजेज 35 साल से ये बिजनेस चल रहा है। लेकिन कोरोना में मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ की डेथ होने के बाद ये बिजनेस मैं संभाल रही हूँ। उनकी गद्दी पे मुझे मेरे भाई ने और मेरे माता पिता ने बिठाया है, क्योंकि अब संभालने वाला कोई नहीं है। तो मैं एक हाउस वाइफ से एक बिजनेस वुमेन बन गई। मेरी फर्म का नाम टेक्नो इंडिया एंटरप्राइजेज है और ये 35 साल से फर्म है और इस फील्ड में मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं। हमारा बिजनेस केडीआर समर्सिबल पंप सेट, ओपन वेल, टैक्समा, मोनो सेट, मोनो ब्लॉक और स्वास्तिक आटा चक्की का है। हमारा प्रोडक्ट सारा बेस्ट क्वालिटी का है। मेरे फादर इन लॉ कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे कि कस्टमर को किसी, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ पैसा कमाना है, वो कि कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो समरसिबल में जैसे हम लोग हमारी तारीफ नहीं करते, मेरे पास आज कस्टमर आते कहते हैं कि 22 साल पुराना मैंने केडीआर पंप लगाया, मुझे रिपीट वही पंप चाहिए। उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछते कि वह प्रोडक्ट बढ़िया था, वो बाऊजी ने जो प्रोडक्ट दिया वही मुझे दो। इस वजह से हमारे सारा मटीरियल टर्न फॉर है और हमारी सेवा सर्विस बहुत अच्छी है कि हमारी टीम बहुत मजबूत है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती, कभी पैनल में आती है, कभी पानी में, जैसे समर्सिबल में कि जल गया है, कुछ भी हो गया है, तो हमारे मैकेनिक एवरी टाइम तैयार रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसलिए जो गुडविल और मेरे फादर इन लॉ ने जो मेहनत से, उनकी समझदारी से, ईमानदारी से जो कुछ कमाया है, मैं उसको बस आगे ले जा रही हूँ, उसको मैं चला रही हूँ। कि उन्होंने बहुत एक अपनी पॉजिटिव इमेज कमाई है, सब लोग वापस रिपीट जो कस्टमर आते यही कि बाऊजी ने हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है,
बहुत अच्छी चीज है, बहुत जीनाइन है आपका मटेरियल, तो बस वही लेके मैं आगे जा रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की ब्लेसिंग है कि मैं उनके जो उन्होंने सारे एम्बिशंस देखे कि हमारा एक टेक्नो इंडिया, मतलब टेक्नो इंडिया फर्म का हमेशा नाम होगा, बस उसको मैं कायम रखूंगी। जो मेरे टेक्नो इंडिया की टीम है वो बहुत मजबूत है, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया कि आपके फादर इन लॉ और आपके हस्बैंड चले गए तो भाई हम इस काम को आगे नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे मजबूत बनाया, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया। 35 साल से जो पुराने एम्प्लॉयर है वो ही मेरे सब साथ में है और वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं और वो इतना अच्छा काम करते हैं कि हमारा मतलब पहले से और बेटर और अच्छा चल रहा है। ये 35 साल से एक ही दुकान थी, टेक्नो इंडिया एंटरप्राइजेस। इस दुकान के कारण इस मार्केट में आज 21 दुकानें हैं और मैं इसका जो मार्केट है वो बहुत कंपटीशन का है। इस कंपटीशन के मार्केट में जिसने मुझे टिका रखा है वो मेरी टीम है और उनका हौसला, उन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी है और उससे मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मेरा काम अच्छा चल रहा है। मेरा जन्म उदयपुर वारियों की घाटी में हुआ, जहाँ हम रहते थे वहाँ मेरा पूरा ननियाल, मेरी नानी, मेरी मौसी और सभी हम लोग साथ में ही रहते थे। मेरे अंकल, आंटी, आंटी के बच्चे, हम सब अब मेरे यहाँ तक कि मेरी नानी इतनी मजबूत और इतनी व्यवहारिक थी कि वहाँ मेरे मामा के बच्चे, मेरे अंकल, मेरी आंटी, हम सब मिलजुल कर रहते। और जबकि आज देखा गया है कि सगे भाई बहन दो बच्चे होते वो भी साथ नहीं रहते, हम लोग 18-20 बच्चे एक साथ, मामा के बच्चे, अंकल के बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे, सब मिलजुल कर रहते थे। और मेरी नानी एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मेरी नानी एक बहुत ही मजबूत इंसान थी, उन्होंने बहुत संघर्ष देखा और वो हमारे लिए एक गुरु है, उन्होंने हमें एक अच्छा रास्ता दिखाया। मैं जो कुछ भी हूँ, आप चाहे उनको मोटिवेशन समझो कुछ भी है, तो मैंने मेरी नानी से शुरू से मेरी नानी को देखा। उन्होंने बहुत दुख देखे, बहुत संघर्ष देखे, लेकिन कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ी और हर पड़ाव को पार करती चली और वही चीज हमारे अंदर है तो आज जो मुझे मजबूत बना रखा है। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई इसके फादर इन लॉ चले गए, मदर इन लॉ चली गई, हस्बैंड चले गए, फिर भी ये टूटी नहीं, तो वही चीज है कि मेरी नानी कभी नहीं टूटी थी। मेरी नानी ने एक मतलब जब भी देखा मैंने नानी को संघर्ष करते हुए देखा और मतलब दुख भरी जिंदगी देखी मैंने नानी को, कभी सुकून में फिर भी हंसती मुस्कुराती हुई हर पड़ाव को पार करती गई। वही चीज मेरे में है तो मैं भी उसी चीज को आगे ले जा रही हूँ और हिम्मत से आगे बढ़ रही हूँ। मेरा आदर्श मेरे हस्बैंड है सुनील स्वालका, वो मतलब संस्कारों के धनी थे, उनमें बहुत शन शक्ति, बहुत गुण थे। वह मतलब किसी से बोलते भी थे तो बहुत प्यार से बोलते थे और सबके लिए समर्पित रहते थे। मैं एक पत्नी थी, मेरे लिए तो समर्पित रहते ही थे, लेकिन परिवार के माँ बाप बहन परिवार सबके लिए वह समर्पित रहते थे, संस्कार के वो धनी थे। मैं उनके जैसी तो नहीं बन पाऊंगी लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। और उनकी धरोहर मेरे दोनों बच्चे भव्य स्वालका, उनका बेटा, और प्रीशा स्वालका। जब वो कोरोना काल में थे तो मेरी बेटी ने एक अखंड दिया जला के बैठी रहती थी कि मेरे पापा कब ठीक होंगे, मेरे ईश्वर मेरे पापा को ठीक कर दो, मेरे पापा को ठीक कर दो। उनके मतलब वो बहुत अटैच थी और मेरा बेटा मतलब मुझे वो मेरे से अटैच है, वो मुझे बहुत हिम्मत देता था मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे। और आज वो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर बिजनेस कर रहा है और घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। और जैसे ही लोग कहते हैं कि वो चले गए, मतलब कहने में तो वो चले गए लेकिन नहीं, मेरे लिए मेरे हस्बैंड हमेशा साथ है, उनकी अच्छी यादें। मैंने उनके साथ बहुत खूबसूरत सफर 26 साल में बहुत खूबसूरत सफर देखा है। और सन 2019 में मैं पैरालिसिस में आ गई थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को 3 महीने तक दुकान पर बिजनेस में ध्यान नहीं दिया, मेरे पे ध्यान दिया और मुझे अच्छे से अच्छे बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट अन्ना मलिक के पास ले गए, उनसे ट्रीटमेंट कराया और मुझे चलता फिरता करके और लेके आए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने किस तरह से मेरी सेवा करी, इसलिए वो मेरे लिए आइडल है कि कोई अपनी पत्नी के लिए इतना समर्पित नहीं हो सकता। जैसे मैं बहुत गुस्सा करती थी, चीजों को फेंक देती थी, फिर भी बहुत पेशेंस वाले थे, उन्होंने बहुत पेशेंस रखकर मुझे ठीक कर और यहाँ उदयपुर लेके आए। और मेरे हस्बैंड
मुझे मतलब हर छोटी छोटी चीज, जैसे घर में तो ऐसा लगता है कि तीन मेंबर चले गए, एक सन्नाटा सा छाया रहता है, पर जब मैं सुबह उठती हूँ, सुबह मतलब हमेशा लगता है नहीं वो मेरे साथ में है। उनकी कहते हैं ना, वक्त तो जो वक्त गुजरा हुआ वो तो लौट कर नहीं आता, लेकिन यादें रह जाती है। तो उनकी हर छोटी छोटी चीज संजोए रखी है, जैसे टूथब्रश, साबुन, टूथ स्टिक। जब भी मैं उनको देखती हूँ ऐसे लगता है, उनकी खुशबू से ऐसे लगता है वो मेरे पास है और वो मेरे आसपास है और हमेशा साथ है। एक शरीर चला गया लेकिन आत्मा उनकी मेरे से जुड़ी हुई है, हमेशा उनकी ब्लेसिंग है। वो चाहते थे मुझे कि मैं खुश रहूं, मेरे बच्चे खुश रहे, तो मैं उसी खुशी के साथ मेरा जीवन चल रहा है, मैं भी खुश रहती हूँ, मेरे बच्चों को भी खुश रखती हूँ मैं, और बस उनकी हमेशा ब्लेसिंग है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी चीज में फंस जाती हूँ और पर पता नहीं 10-15 मिनट में वो ऐसी उनकी मेरी साथ ब्लेसिंग है कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि वो मेरे से कनेक्ट है, वो मुझसे दूर नहीं था। अभी 31 मई 2022 को मेरे हस्बैंड की पुण्यतिथि थी सुनील स्वालका की। जब मेरे हस्बैंड कोरोना काल में पानी के लिए तड़प रहे थे, उस दिन ही मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं, जैसे हमारा बिजनेस तो आई है ट्यूबवेल का, कि मैं जहाँ जल की कमी होगी, जहाँ जल ही जीवन है, जहाँ पर लोगों को इस जल की जरूरत होगी, वहां पर मैं एक ट्यूबवेल लगाऊंगी। तो वही काम मैंने मेरे ससुर जी रतन लाल जी स्वालका, मेरी सासू जी प्रेम देवी और मेरे पति सुनील स्वालका के लिए मैंने एक स्कूल में टेकरी पर राजकीय बालिका विद्यालय में ट्यूबवेल खुदवाई। पूरे स्कूल में मैंने पाइपलाइन दी, सिंटेक्स टंकी लगाई, पनगट लगाया। ये नहीं है कि मैंने उनके ऊपर कोई एहसान क्या एहसान, एक मेरी इच्छा थी। और वो बच्चे जब पानी देखा कि ट्यूबवेल से इतना अच्छा पानी आ रहा है और स्कूल में इतना अच्छा काम हुआ, तो वो बहुत खुश हुए। तो इंसान को रूढ़ीवादी की तरह, भाई मेरे ससुर जी चले गए, मेरे सासू जी चले गए, तो मैं 6 मासी करूं 12 मासी करूं, तो मैंने इन सब रूढ़ीवादी इन रीति रिवाजों को नहीं, मैंने कोई भी रीति रिवाज नहीं करे। बस ये कि मेरे से किसको क्या खुशी मिले, मैं किसके क्या काम आ सकूं, इसलिए मैंने एक ये कदम उठाया। तो मेरे वादा इल्ला मदा इल्ला और मेरे पति को बहुत बहुत नमन। कोरोना की कुर्ता ने मेरा पूरा घर संसार खत्म कर दिया था, मतलब हम लोग सभी टूट गए, बिखर गए। मेरी मदर, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे परिवार सबने मुझे सहयोग किया कोरोना काल में। मतलब वो समय किसी को नहीं दिखा है, वो बहुत ही बुरा समय जिसमें कोई भी परिवार का कोई भी व्यक्ति हमारे पास आने को तैयार नहीं था। लेकिन उस समय जब मेरे हस्बैंड आइसोलेशन में हॉस्पिटल में थे, तो मेरे ब्रदर, मेरे परिवार सभी हॉस्पिटल में 11 जने उनकी देखरेख करने के लिए डॉक्टर्स की लाइन में लगते थे, पूरा परिवार का सहयोग था। और आईसीयू में मैं उनके साथ 11 दिन रही, मैंने उनकी पूरी दिलो जान से सेवा करी। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर से टूट जाती है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे भाई ने, मेरे मतलब भाई का दोस्त रितेश भैया, सभी ने, मेरे कंवर साहब, विक्की भैया जो मेरे देवर भी है, हिमांशु जी, सभी ने, मेरे भतीजे ने, सबने पूरी कोशिश करी, पर है ना, मेरे हस्बैंड को नहीं बचा पाए। और उनके बाद मैं टूट गई, बिखर गई थी। लेकिन फिर भी मेरी मदर ने मुझे एक हिम्मत दी कि नहीं, तुझे मतलब अपने बच्चों को देखकर, जो मेरे बच्चे, मेरी दो आंखें है, मेरी मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी कभी पैम्पर नहीं करती है, एक हिम्मत देती है, एक हौसला देती है, नहीं ये तू किसकी बेटी है। मतलब मुझे मेरे परिवार में भी कोई डॉन बोलता है, कोई टाइगर बोलता है, कोई दादी बोलता है, मतलब शुरू से मेरे में एक लीडरशिप रही है और मैं सबसे प्यार करती हूँ। और मतलब मेरी एक आदत है, मतलब एक लीडरशिप थोड़ा सा तेज होके बोलना, तो और मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, जुड़ी हूँ, तो वही प्यार लौट के आया। सब मेरी मतलब एक कहते हैं ना कि मुझे वापस एक दीवार बन के सब ने मुझे मजबूत बनाया, एक हौसला दिया और वापस मुझे खड़ा किया। जो गया वो लौट कर अभी वापस नहीं आएगा, अभी अपना जीवन जीना, इन बच्चों के लिए सब कुछ करना। जैसे कि अब वो चले गए तो मैं कैसे जीऊँ, मेरा क्या है, वो मेरी दूरी थे, मेरा जीवन था, मैं उनके बिना अधूरी हूँ, मेरे हस्बैंड के बिना मैं अधूरी हूँ, जो मतलब एक दुनिया था, मेरा संसार था। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने बहुत हिम्मत दी कि बेटा तू साहिब का नाम ले, ईश्वर तुझे शक्ति देगा, मैं तेरे साथ हूँ,
तू एक हिम्मत वाली माँ की बेटी है और तुझे जीना है, और मुझे विश्वास है कि तू सब कुछ कर लेगी और तुझे करना है। और मेरी माँ ने हमेशा मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाया, आप आयरन लेडी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मेरी वो मेरी माँ की एक स्ट्रॉन्गनेस के कारण मैं आगे बढ़ रही हूँ। और वो मम्मी कभी भी ऐसे प्यार से तो बोलती ही नहीं, डांट डांट के मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती रहती है। मैं भारतीय युवाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आप में उम्मीद और हौसला है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी चीज टफ नहीं होती है। जो मैं बिजनेस कर रही हूँ बहुत टफ है, वो इतना आसान नहीं था। मुझे तो एक मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, इसलिए मुझे इस बिजनेस में आई। अगर मैं भी चाहती तो आज जी मैं 25 साल जो मैं एक हाउसवाइफ बन के रह गई वो बनकर नहीं रहती, मैं बहुत आगे बहुत कुछ कर सकती थी। इसलिए आप सबको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर उम्मीद का दिया रोशन है तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक आप नई शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसे हमारे इस बिजनेस में सारे मेल है, एक मैं ही फीमेल हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरे अंदर वो एक चिंगारी थी, मुझे कुछ करना है, मैं कर सकती हूँ, तो मैंने वो कर लिया। और मैं जो लर्निंग जो मेरे हस्बैंड मेरे फादर इला करते थे उनकी वो सारी चीजों को बारीकी से देखती हूँ और उसको मैं लेके चल रही हूँ। और मैं काफी कुछ सीख गई हूँ और मैं सारी टीम से और सारे कस्टमर से बहुत अच्छी डील कर लेती हूँ, जिससे मेरा प्रोडक्ट अच्छा बहुत अच्छा मार्केट में जा रहा है और बिक रहा है, और मेरी एक गुडविल बन गई है। टेक्नो इंडिया का जो नाम था उसको मैंने कायम कर रखा है। मेरी सफलता का मूल मंत्र मेरे पिताजी ने दिया। मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई, उसकी तीसरे या चौथे दिन मेरे पिताजी ने मुझे बोला, तू एक व्यापारी की बेटी है, तुझे हार नहीं मानी, तुझे व्यापार करना है, तेरे खून में व्यापार है। फिर मेरे पापा को मेरे अंकल के बेटे ने नितिन स्वालका ने बोला, पापा दीदी को बाहर लाते हैं। हमारी शॉप टेक्नो इंडिया गली में थी। मेरे पिताजी ने कोरोना काल में बैठकर सुबह 7 बजे से 2 बजे तक बैठकर मेरे लिए दुकान बनवाई और मेरे लिए हिम्मत जगाई कि तू कर सकती, तुझे व्यापार करना है, हारना नहीं है। मेरा छोटा ब्रदर चंदन स्वालका जो मेरे से 4 साल छोटा है, कहते हैं ना कि किसी के जाने से, मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ के जाने से, वो नहीं जानते थे कि एक टफ टाइम चल रहा था हमारे बिजनेस में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, पर उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं। और उनके जाने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स सिचुएशन सब सामने आ गई। मेरे भाई को भी बहुत धक्का लगा कि ये कैसे बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सोल्व होगी, क्या होगा, अब मेरी दीदी का क्या होगा, मेरे भांजे भांजी का क्या होगा। लेकिन उसने सारी सिचुएशन को हैंडल किया, सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया और मुझे बिजनेस में बोला, तुझे ये बिजनेस करना है, तेरे को इस कुर्सी पर बैठना है और ये बिजनेस तुझे आगे ले जाना है, तुझे करना है। तो मेरे में एक नर्वसनेस थी क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी, मैंने कभी बिजनेस किया नहीं और मैं कभी भी मतलब मैंने बिजनेस को देखा भी नहीं। कहाँ ये पता था, मेरे हस्बैंड पंप सेट का बिजनेस है, टेक्नो इंडिया फर्म है, लेकिन मुझे ABCD कुछ भी नहीं आती थी। मेरे भाई ने मुझे एक गुरु बन के, एक टीचर बन के, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे कस्टमर को हैंडल करते हैं, कैसे पार्टियों से बात करनी, कैसे माल मंगाना है, कैसे तुझे इनको वापस मतलब पैसे देने, ये सारी चीजें बारीकी से उसने सिखाई। और वो छोटा होते हुए भी एक जैसे उसका रोप था मेरे पे, पर है ना उसने मतलब मुझे कुछ करने का हौसला हिम्मत दी कि उससे मैं आगे बढ़ी। जैसे कहते हैं ना कि अपन जीवन में अपन कोई सफलता मिलती है तो किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, तो वो मेरा भाई है, मैं उसका कभी एहसान नहीं भूलूंगी। आज जो जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ मतलब वो गिफ्ट है मेरे भाई का। और एक माँ अपने बेटे को भलाइयाँ देती है, वो मैं अपने भाई को देती हूँ कि वो बहुत तरक्की करे, बहुत सफल हो। और उसने मुझे एक जीवन दान दिया है जिससे आज मेरे अंदर एक इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस है कि मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ और अपने हस्बैंड के सारे एम्बिशंस जो मेरे हस्बैंड ने देखे, जो गोल, मैं वो सारे पूरे करूंगी, पूरे कोशिश करूंगी और मैं अपने बच्चों को हमेशा खुश रखूंगी। मेरा युवाओं को संदेश है कि जैसे मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आप मन से ही हार जाओगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कुछ आपकी जीवन में विषम परिस्थिति आती है, आपके दुखों का पहाड़ आता है और आप सोच लेते हो उससे बातें, यार कुछ नहीं मैं कर लूंगा,
तो अगर जैसे मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया, विषम परिस्थिति आ गई, अब मैं क्या करूंगा? अगर आप रुक गए, थम गए, तो कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ बातें रह जाएगी। अगर इन चीजों में अगर आपने हिम्मत और हौसला रखा, कोई भी चीज रुकती नहीं है। आप उन जो आपने बुरा समय देखा है, जो आपके साथ बुरा हुआ, उसको भूल के आप आगे बढ़ सकते हो, आप एक नई शुरुआत कर सकते हो कि कोई भी चीज रुकती नहीं है। जैसे मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, फिर भी मैंने एक हिम्मत रखी, एक हौसला रखा और मैं आगे बढ़ी, और वही हिम्मत हौसला मुझे जीवन में प्रेरणा देता है। जैसे लोग कहते हैं यार ऐसे क्या कर्म किए कि है ना, मतलब इनका तो पूरा घर बिखर गया। नहीं, ये सिर्फ बातें कहने की है। ये बातें आप नेगेटिव थॉट रखोगे तो जीवन में आप पीछे जाओगे। मेरे वादा इल्ला, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इल्ला की जर्नी यहाँ तक थी, उन्होंने अपनी जर्नी पूरी कर ली। मुझे अपनी जर्नी अपने बच्चों के लिए पूरी करनी है, उनको खुश रखना है, उनके लिए कुछ अचीव करना है, मेरे हस्बैंड का भी एम्बिशंस को पूरा करना है। तो मैं खुश रह के मेहनत करके, आप मेहनत करो, आप ये सोचो नहीं मेरे बातें करने से, वो सोचने से सब कुछ हो जाता, नहीं होता है। आपको लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है, आलस भगाना पड़ता है, तब आपको कुछ अचीव होता है, आप जब कुछ कर सकते हो। मैंने भी मेरे घर और दुकान को बहुत मैनेज कर रखा है। मेरे को कमाने की चिंता रहती है कि मेरे दो बच्चों का पालन पोषण करना है, मेरे परिवार को आगे चलाना है, तो अपने आप हिम्मत आ जाती है। मुझे हेल्थ इश्यू बहुत है, लेकिन फिर भी मैं उनको सबको अलग रखकर मैं अपने हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ रही हूँ। मैं आज इस टेक्नो इंडिया सीट पर जो बैठी हूँ, तो ये नहीं है कि मैंने अकेली ने ये अचीव कर लिया है। ये बिजनेस बहुत टफ है, इसको करना कोई आसान नहीं है। मतलब मेरे साथ में मेरी पूरी टीम, बहुत सारे है मेरे शुभ चिंतक है जिन्होंने मुझसे प्यार किया, मुझे सहयोग दिया, पूरा सपोर्ट किया कि तुझे टूटना नहीं है, तुझे तू सब कुछ कर सकती है, तेरे में टैलेंट है, तू कर लेगी। प्रेरणा से, उस चिंगारी से मैं आज जो कुछ भी हूँ, सबके सहयोग और सबके प्यार के कारण हूँ कि मैं आज इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही हूँ और मैं कर रही हूँ। कुछ जो मैंने अचीव किया वो मेरे बैक में जो सपोर्ट करे उनके कारण सब कर पा रही हूँ। मेरी शॉप का नाम टेक्नो इंडिया एंटरप्राइजेज है। ये शॉप 35 साल पुरानी है, पुलिस लाइन मेन रोड पर है, और मेरे यहाँ सारे प्रोडक्ट है, KDR पंप सेट, ओपन वेल पंप सेट, टेक्समा के, रोलेक्स के, और मेरे स्वास्तिक चक्की है, HDPE ड्यूटन पाइप है, आर्टिफ्लेक्स पाइप है, सब टॉप कंपनी के केबल है, सारे प्रोडक्ट तो नंबर वन है मेरे, और मेरी सर्विस सबसे अच्छी है। आप मुझे मौका दे आगे बढ़ने का, मुझे सहयोग दे। जो मेरे फादर इन-लॉ और मेरे हस्बैंड ने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखी है, वही मैंने मेंटेन कर रखी है। मेरा मोटो यही है कि मेरा प्रोडक्ट ले जाते तो आपको कोई तकलीफ नहीं, आप खुश हो, आप दोबारा उस प्रोडक्ट के लिए मेरे यहाँ आए और मुझे सेवा दे। वर्क मॉब ने एक मुहिम, मेरी कहानी जो चलाई है, सराहनीय है, बहुत अच्छा है कि लोगों के जैसे कहानी बनाकर उन्होंने क्या अचीव किया है, तो वो सब सामने आ रहा है, उससे अपन इंस्पायर हो रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस आ रहा है यार हम भी कुछ काबिल है कि हम कुछ कर सकते हैं। वर्क मॉब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अच्छा मेरी कहानी बनाई आपने, आपको एक सराहनीय है। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये थी लता सुवालका की एक हाउसवाइफ से बिजनेस वुमन बनने की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. Jai Hind, Jai Bharat.